गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि सवाल नंबर 3 में बताया जा रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जैसे कि आप बता रहे बात को समझ रहे हैं कि आपके पास 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और कितने सदस्य को मार्च करना है, 616 सदस्य को, और संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा, यहीं पर बात को समझना है कि अधिकतम संख्या, जब भी अधिकतम संख्या बताया जाता है तो हम लोग को HCF निकालना होता है। ये ट्रिक है, ये आप लोगों को आ जाना चाहिए, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम संख्या, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा हम लोग HCF निकालेंगे। किसके बीच, 616 और 32 के बीच। हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर लेंगे, एक जगह राफ करेंगे और एक जगह में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला को लगाएंगे। तो चलिए, तो 616 से हम लोग 32 को डिवाइड लगाते हैं, तो कितना बार में जाएगा, एक बार में 32 का 32 यहां पर 6 आया। अब कितना बार में जा सकता है, आठ बार में जा सकता है, यहां पर जीरो आया, नाइन में फाइव किया, फोर बचा, और भी थोड़ा जा सकता है। चलिए नाइन में हम लोग देख लेते हैं, नाइन टू 18 का 8 यानी 1 यहां पर गया, तो यहां पर 16 में 8 किया, 8 बचा, तो यहां तक आया। इसको हम लोग यहां पर लिख देंगे 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 या आया। अब जितना रिमाइंडर बचा उसी से हम लोग फिर से इसको लगा देंगे, 8 4 जा 30, देखिए आ गया। तो यहां पर 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस, यहां कुछ बचा नहीं इसलिए 0, तो आंसर हो गया आपका 8। तो HCF इक्वल टू 8। तो आपको यहां पर आंसर कैसे लिखना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या, आपसे मांगा गया है स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 8 हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय।